कैसे हो आप सब? तो आप लोग तो देख ही पा रहे हो मेरे साथ एक कौन है? शानोब्रा। तो आप लोग जो लोग मेरे पहले वाले फ्रेंड हो, उन लोगों को पता है कि मैं पता चल गया मैं कहाँ पर हूँ। और जो लोग नए हो उन लोगों के लिए बता देती हूँ, मैं हूँ दीदी का घर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, थोड़ी देर बाद ही मैं ससुराल से घर आ गई थी। 27th को हम आ गए थे, मैं और रॉनी तो उधर थे। बट उसके बाद क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, इस वजह से एक दिन दीदी के घर पे भी रहना है। और कल मेरे बाबा का बर्थडे था, जो वीडियो आएगा मेरे बांग्ला चैनल पर जो नाम है स्पोर्ट्स शो। तो कल पूरा दिन हम लोग सब कोई मिलके इधर बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। अगर आप लोग को ब्लॉग देखना चाहते हैं तो जरूर एक बार विजिट करके आना स्पोर्ट्स शो पर। और अभी हम दोनों जो पुचकू है, मेरा एक लौता भगना ये, और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, जाऊंगी घर। और इधर वो ऑफिस कड़ा है, तो अभी हम दोनों मिलके जाएंगे घर। घर जाके उधर आज सबको एक साथ मिलके खाना पीना होगा। माँ ऑलरेडी चला गया है सुबह सुबह ही, और इधर उसका काम चल रहा है। आज छुट्टी नहीं मिला, बहुत इमरजेंसी था इस वजह से उसको छुट्टी नहीं मिला। उसका ट्रेन भी है आज 6 o'clock शाम के 6 बजे, तो इस वजह से उसको जाना भी पड़ेगा ऑफिस करके। उधर जाके खाना खा रवाना हो जाएंगे, और मैं इधर कुछ दिन हूँ रहूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी ससुराल। तो अभी आप लोगों को मिलेगा मेरा मायका ब्लॉग देखने में। तो आप लोग तो बहुत इंजॉय करते हो मेरे मायका ब्लॉग देखने में, क्योंकि पिछले साल जब मैं मेरी वीडियो डाली थी मायका ब्लॉग की, मेरे बचपन के सब फ्रेंड के साथ पार्टी सब कुछ, आप लोगों को बहुत मजा आया था। आप लोग बहुत सारा प्यार दिया और बहुत 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 व्यू भी आया था। तो इस वजह से देखती हूँ आगे क्या होता है। और अभी बज रहा है सुबह के 11, सुबह कितना बज रहा है बताओ? 12 11 11। तुम एक राइम्स सुनाओगे? क्यों, एक राइम्स बता दो। आज के अमर किंतु, आज के तुम्हारे किंतु राइम्स बोलो। वेरी गुड। तो चलो देखती हूँ, दीदी गया है नहाने, वो निकल जाए, देन हम तीनों मिलके चले जाएंगे। और जीजू उसके साथ रहेंगे, उसका जितना टाइम काम चलेगा उतना टाइम। चलो आप लोगों को चलो मिला लेती हूँ मेरे जीजू के साथ भी। और एक बार हाय बोलो। हाय, कैसे हो? अच्छी हूँ। शाली को देख के इतने एक साल बाद कैसा लग रहा है? मैं तो फिर जवान हो गई। और क्या, तो ऐसे ही मस्ती चलते रहते हैं हम दोनों में। हम दोनों कभी भी साली और जमाई नहीं, जमाई बाबू नहीं रहते हैं, पूरा दोस्त के तरह रहते, मार पीट के पूरा। तो दीदी के साथ भी मिलाऊंगी, वो नहाने गई है। तो हम लोग घर पे आ गए हैं, मैं दीदी और मेरे भागना जो है, हम लोग घर पे आ गए थे। आगे थोड़ा सा खाना पीना खाई, उसके बाद इतना ज्यादा नींद आ गया था, लेकिन सोए नहीं मैं। पीछे देखो वो सो चुका है पूरा। तो मैं सोई नहीं, एक वीडियो था वो एडिट कर रहा। तो अभी बच रहा है 2, पता नहीं जीजू और वो कब आएगी, कब उसका ऑफिस खत्म होगी उसके बाद आएगी। तो वेट कर रही हूँ, देखती हूँ। और इधर ये जो बच्चा है पढ़ाई कुछ नहीं। और इधर माँ अभी पूजा दे रही है, दोपहर की पूजा है ये। पहले सुबह उठ के भी एक बार करती है, और दोपहर में और एक बार करती है, शाम में और एक बार।
पाँच बज चुके हैं, उसका 6 बजे ट्रेन है, 4 बजे आया है आके आके जल्दी जल्दी टायर्ड हो चुका है, अब थोड़ी देर में निकलेंगे। हाँ बहुत टायर्ड हो गए हैं, और बाजू में जीजू बैठा है। मेशो चले जाबे है? गुड मॉर्निंग तो नहीं है, अभी बज रहा है 12 और आज है नेक्स्ट डे। कल शाम को 6 बजे ट्रेन था तो आप लोगों को बताया था, वो चले गए थे, उसके बाद और ब्लॉग नहीं किया और तबीयत भी ठीक नहीं थी, मन भी ठीक नहीं थे, और तो अभी भी मेरा जो बुखार है वो कम नहीं हुआ, गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी है, तो बात क्लियरली आप सुन पा रही हो या नहीं मुझे पता नहीं। तो चलो आज है नेक्स्ट डे, जो अभी बज रहा है 12 और मैं नहा धो के आ गई हूँ, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और देखती हूँ क्या करती हूँ। पूरा दिन माँ इधर कर रही है, खाना पका रही है लंच, तो आने के बाद 3 दिन से लगातार चिकन मटन खाते खाते इतना पक गई हूँ, तो माँ को बोला आज सिंपल सा दाल बनाना, वो चलता तो क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, तो अगर पता रहता है तो इधर मैं पिक्चर डाल दूंगी, आप लोग समझ जाओगे। उसका दाल करने और आलू भाजा, जो बंगाली में मतलब आलू फ्राई बंगाली में हम लोग बोलते हैं आलू भाजा, जो बहुत पसंद है मुझे, वो भी मैं नहीं खा पाती हूँ इधर माँ की हद की जैसे, तो ये सभी कर कुछ करने बोला, तो आज सिंपल से लंच करूँगी या मिस आई तो मस्त, तो वेट कर रही हूँ 12 बजे 2 बजे तक लंच कर लूँगी, और अभी मैं देखूँगी थोड़ा सा टीवी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और ऐसे ही कुछ वीडियो एडिट करूँगी। और तो अभी शाम के 8 बज रही है, तो बाबा लेके आई है जो इधर हमारे इधर का फेमस है पोड़ी मौली चॉप, चिकन चॉप और वेजिटेबल चॉप है, जो मैं बहुत दिन बाद खा रही हूँ, इतना ज़्यादा टेस्टी बनाता है, इधर बचपन से खाती हूँ और हमारे पुणे में तो ये सब चॉप वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, तो बहुत दिन बाद इसका मज़े ले रही हूँ, देख ही पा रहे हो, दो खा रही हूँ। और आप लोगों को तो हैप्पी जन्माष्टमी बोलना भूल ही गए थे, तो चलो अभी बोल देती हूँ, और मेरे ससुराल में बहुत अच्छे से जन्माष्टमी पालन करता है, तो उसका भी कुछ पिक्चर मैं इधर ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो सॉरी, मैंने बोला था आप लोगों को मेरे ससुराल का जो जन्माष्टमी पिक्चर है वो ऐड कर दूंगी, लेकिन मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, व्हाट्सअप इमेज से नहीं, ये जो इधर का जो फोल्डर है एडिटिंग का उधर सेव नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, तो मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ, तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलो मेरे ही घर का गोपाल जो है, जो माँ के माँ ने पूजा देती है, वही थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट तो ज़रूर कर देना। थोड़ा सा लेट हो चुका है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, लास्ट मैंने बनाया था ससुराल में मेरे फादर इन लॉ के बर्थडे का ब्लॉग, तो प्लीज़ ऐसे ही पास रहना, सपोर्ट करते रहना। चलो ये है माँ का, तो गोपाल है इधर, राधा कृष्णा है, लक्ष्मी माता है, ये छोटा सा है, ये कल माँ पूजा दिया था जन्माष्टमी में, सजाया था अच्छे से, लेकिन कल मेरा तबीयत इतना ज्यादा बुरा था कि मैं और वीडियो नहीं कर पाई, आज ही थोड़ा सा दिखा देती हूँ।